बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में अपने करियर को पटरी पर लाना ही है, इसलिए वे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गोविंदा की आगामी फिल्म रंगीला राजा का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें वे रंगीला अंदाज में दिख रहे हैं। पोस्टर में हम देख पा रहे हैं कि गोविंदा की मूछें हैं, उन्हें लड़कियों ने घेर रखा है और फुल राउडी स्टाइल में गोविंदा पोज दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म को पहलाज निहलानी बना रहे हैं, जो करीब 25 साल बाद गोविंदा के साथ आ रहे हैं। इससे पहले दोनों ने इल्जाम, शोला शबनम और आंखें फिल्म में साथ काम किया। फिल्म में गोविंदा का डबल रोल है, ये एक कॉमेडी के साथ एक्शन फिल्म होगी। फिल्म की कहानी विजय माल्या के ऊपर बेस बताई जा रही है। फिल्म में गोविंदा के साथ मिसिका चौरसिया, अनुपमा अग्निहोत्री और दिगांगना सूर्यवंशी नजर आएंगी। फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने रंगीला राजा फिल्म का पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इसके अलावा गोविंदा की फिल्म फ्राइडे भी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फ्राइडे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि मैं खुद को कभी फ्लॉप हीरो नहीं मानता। कोई एक्टर तब तक फ्लॉप नहीं है जब तक वो खुद न मान ले कि हाँ, वो अब फ्लॉप हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, भले ही कैसा भी वक्त मेरे लिए क्यों ना रहा हो। इस फिल्म में गोविंदा के साथ चूजा यानी वरुण शर्मा भी लीड किरदार में है। हमारी न्यूज आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमें सब्सक्राइब भी करें।